शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी के विधायकों को टिप्पणी जा तिहाड़ जेल। भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा के लिए शिवसेना को दिया 106 सीटों का ऑफर। आर्थिक मंदी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। अब बड़ी आजम खान की मुश्किलें। अब दर्ज हुआ बकरी चोरी का मुकदमा। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी के विधायक को कोर्ट ने 6 महीने के लिए भेजा तिहाड़ जेल। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोम दत्त को 6 महीने के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। साथ ही मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने की अपील को खारिज कर दिया। भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा के लिए शिवसेना को दिया 106 सीटों का ऑफर। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने राज्य में अपने सहयोगी पार्टी शिवसेना को दिया 106 सीटों का ऑफर। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने राज्य में अपने सहयोगी पार्टी शिवसेना को 106 सीटों की पेशकश की है। सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि वह 120 से कम सीटें पर मानने वाले हैं। आर्थिक मंदी के मुद्दे पर देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर आंदोलन करने जा रही है। 15 से 25 अक्टूबर तक देश भर में कांग्रेस बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी 28, 29 और 30 सितंबर को आर्थिक मंदी के मुद्दे पर राज्य स्तर पर कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों की बैठक भी करेगी। और बड़ी आजम खान की मुश्किलें। अब दर्ज हुआ बकरी चोरी का मुकदमा। रामपुर सांसद आजम खान के खिलाफ बकरी चोरी का आरोप लगा है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि आजम खान के खिलाफ गुरुवार को पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया है। इस बार शिकायतकर्ता के घर में बंदी बकरी, भैंस और बछड़ा खुलवाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर खबरें भी देख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।